हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का माई टीम इलेवन के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। माई टीम इलेवन पे एक न्यू फीचर आया हुआ है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप माई टीम इलेवन ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जो ये बैनर है इसको इधर उधर स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोड्यूसिंग प्लेयर बैकअप न्यू फीचर, इस पर टच कीजिएगा। ठीक, टच करने का तो कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूसिंग प्लेयर बैकअप न्यू फीचर। यहाँ पे आप चार प्लेयर को अपने बैकअप प्लेयर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये चार प्लेयर है जब टीम न्यूज आएगी, जो भी आपने टीम बनाया होगा, जो भी उसमें अनअनाउंस्ड और सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे, उनको यह प्लेयर बैकअप के रूप में उन्हें रिप्लेस करके वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक वीडियो भी है जिसे आप प्ले करके ठीक आप अच्छे से समझ सकते हैं। यह वीडियो आपका लगभग 30 सेकेंड का है, तो आप इससे जान सकते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या फीचर है, कैसे इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे अभी फिलहाल देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कि आपको टीम क्रिएट करना है, वहाँ पे एक साइन होगा ऐड करने का, वहाँ से प्लेयर को ऐड कर सकते हैं। आप प्लेयर को मैच चालू होने से पहले एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आपका बैकअप प्लेयर होगा। ठीक है, अगर आप मैच चालू होने तक उसे नहीं एडिट करते तो ऑटोमेटिकली जो भी अनअनाउंस्ड और सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे उससे वो रिप्लेस कर देगा। ठीक, इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे जैसे आप टीम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेंगे, तो वहीं पे आपको कुछ ऐसा शो कर देगा कि सेलेक्ट अप टू 4 बैकअप्स इन योर टीम ऐड, ऐसा शो करेगा। फिर वहाँ से आपको जो भी प्लेयर चूज करना है अपनी प्रायोरिटी के अनुसार वैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको एडिट भी करना है जो भी आपने बैकअप प्लेयर लिया हुआ है, तो टीम क्रिएट करने के बाद जैसे आप माई टीम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक साइन दिखेगा ऐसा, ये जहाँ से आप एडिट बैकअप प्लेयर या ऐड बैकअप प्लेयर को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक, फिर आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिएगा, तो आप मैक्सिमम 4 प्लेयर ही अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार यहाँ से बैकअप प्लेयर में ले सकते हैं। यानी यहाँ पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जिस प्लेयर को आप पहले लेंगे, वह प्लेयर आपका जो भी आपने टीम क्रिएट किया होगा, जो भी वहाँ पर अनअनाउंस्ड या सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे, उनको वो पहले रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसके सिवा कुछ और चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक, जो भी यहाँ पे चेंजेज होंगे तो जो भी टीम बनाने का नियम होता है उसके अनुसार होंगे, मैच में ही होंगे। ठीक है, और यह आपका मैच चालू होने से पहले ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, और जो भी यह बैकअप प्लेयर हैं, जो भी आपके टीम में अनअनाउंस्ड या सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहला है कि हाउ डज द प्लेयर बैकअप फीचर वर्क, जो ये प्लेयर बैकअप फीचर है कैसे यह वर्क करेगा। तो जो भी आपके टीम में सब्स्टिट्यूट या अनअनाउंस्ड प्लेयर होंगे, उसको उसके क्रेडिट पॉइंट के अनुसार या उनके रूल के अनुसार यह आपका बैकअप प्लेयर उससे रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट का मतलब यह है कि आपने 4 प्लेयर चूज किया अपनी प्रायोरिटी के अनुसार, आपके टीम में अगर अनअनाउंस्ड प्लेयर हैं, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, तो जिसका क्रेडिट ज़्यादा होगा वो पहले रिप्लेस होगा। अगर एक ही नाम के 2 प्लेयर हैं, ठीक है, तो उनके जो भी नाम होगा अल्फाबेट के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा वो पहले रिप्लेस होगा। ठीक, और यहाँ पर प्लेयर रोल का मतलब यह है कि टीम जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसका एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि एटलीस्ट 1 विकेट कीपर, 1 बॉलर, 1 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर होना चाहिए, तभी यह आपका सब्स्टिट्यूट वर्क करेगा। फिर है आपका अगला प्रश्न कि कैन आई चेंज माई बैकअप प्लेयर सेलेक्शन आफ्टर द मैच डेडलाइन। मैच डेडलाइन के बाद क्या आप प्लेयर बैकअप को चेंज कर पाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है कि नो, आप मैच चालू होने के बाद किसी भी प्लेयर को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर है कि हाउ मैनी बैकअप प्लेयर कैन आई सेलेक्ट फॉर माई टीम, आप अपनी टीम के लिए कितना बैकअप प्लेयर ऐड कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि आप मैक्सिमम 4 प्लेयर को कर सकते हैं। अगर फिर अगला है कि व्हाट हैपन इफ माई बैकअप प्लेयर इज ऑल्सो अन अवेलेबल फॉर द मैच, यानी अगर आप कोई भी बैकअप प्लेयर लेते हैं टीम न्यूज आने के बाद, वो प्लेयर भी अनअनाउंस्ड है या वो नहीं खेल रहे हैं, ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा?
तब लिखा है कि अगर आपका बैकअप प्लेयर भी आपकी टीम में नहीं खेल रहे हैं टीम न्यूज आने के बाद, तो फिर जो भी ये बैकअप है वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, उसका जो भी नॉर्मल पॉइंट मिलता है वही आपको मिलेगा। फिर है कि हाउ आर बैकअप प्लेयर रिप्लेसमेंट प्रायोरिटीज, यहाँ पर जो प्लेयर है वो कैसे एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि रोल ऑफ द प्लेयर, उनका क्रेडिट, उनका स्पेसिफिक रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो उसके अनुसार ही यह किया जाता है। फिर एक विल आई रिसीव फ्रेंडशिप पॉइंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बैकअप प्लेयर, जो बैकअप प्लेयर है उनके परफॉर्मेंस का आपको पॉइंट मिलेगा, तो हाँ मिलेगा, लेकिन वो प्लेयर आपके टीम में किसी को रिप्लेस करेगा तभी आपको मिलेगा। ये इस तरह नहीं है कि आपने उनको बैकअप में ले लिया, अगर वो आपके टीम में किसी प्लेयर को रिप्लेस नहीं करता तो उस कंडीशन में आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फिर एक व्हाट शुड आई डू इफ एनकाउंटर एनी इशू आर हैव फर्दर क्वेश्चन अबाउट द प्लेयर बैकअप फीचर, जो भी प्लेयर बैकअप फीचर है इससे संबंधित कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत होती है, तो फिर आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको माय टीम लाइन पर जो सपोर्ट रिसोर्स है, यानी जो भी रिसोर्सेज है उनसे आपको, यानी जो भी कस्टमर केयर सर्विस है उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको सारी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो इसे जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो नीचे लिखा हुआ इस पर टच कर देंगे तो यह आपका इस प्रकार से हिंदी में हो जाएगा, फिर यहाँ पर टच कर देंगे तो यह आपका इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक टीम हम आपको दिखा देते हैं, जो भी यह बैकअप प्लेयर है वो कुछ सेलेक्टेड मैचों के लिए ही है, ठीक है, हर मैच में यह आपको फीचर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस मैच में मिला हुआ है। तो हम यहाँ से आ गए, ठीक, तो वर्ल्ड कप T20 में आपका जो मैच है USA और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाला है, मैंने इसे ओपन किया, ऊपर लिखा हुआ है कि प्लेयर बैकअप्स अवेलेबल इन दिस मैच, यानी इस मैच में आपको प्लेयर बैकअप मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने टीम क्रिएट किया हुआ है, आप भी टीम क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ पे माय टीम लिखा है इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ठीक यहाँ पे एक साइन है, देखिए यहाँ पर रेड लिखा है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से जो भी आपको अपने प्रायोरिटी के अनुसार प्लेयर को चूज कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरह चूज 4 प्लेयर कर लिया, यानी अगर मेरे टीम में कोई भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे या अनाउंस प्लेयर होंगे तो सबसे पहले जो नोटिस है वो आएंगे, फिर जसदीप, फिर हरमीत, फिर डेविड मिलर, यही इसकी प्रायोरिटी चलती है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। आप अपने बैकअप प्लेयर को अगर एडिट करना चाहते हैं तो फिर से इसी पर टच कीजिए यहाँ से, ठीक, इनको आप इस तरह आप टच करके हटा दीजिएगा, ठीक है, एडिट हो जाएगा। या आप कोई और प्लेयर लेना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे हमने कोई और प्लेयर इस प्रकार से ले लिया, लेकर आप सेव कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो भी एडिट करना है प्लेयर बैकअप को आप आसानी से एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि माई टीम लाइन पर जो न्यू फीचर आया हुआ है प्लेयर बैकअप्स का वो क्या है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।